नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। हमारी खास पेशकश विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। महासमर 2018 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत की बिसात पर हलचल भी तेज होती जा रही है। नई नई चालें चली जा रही है, दुश्मन को घेरने के लिए तमाम पैतरेबाजी चल रही है और सियासत की इसी गहमा गहमी के बीच हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायक जी का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। आज बारी है छत्तीसगढ़ के भटगांव विधानसभा सीट की। आज हम यहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने आज हम पहुंच रहे हैं सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और पारसनाथ राजवाड़े विधायक हैं। पहली नजर में ये इलाका काफी खूबसूरत नजर आता है। कोयला खदानों और कुदरगढ़ी माता के दिव्य धाम के लिए विख्यात ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि यहाँ चाहकर भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं होने के बाद भी पिछड़ापन है। आने वाले चुनाव में यहां किसानों से जुड़े मुद्दे भी गूंजने तय हैं। सूरजपुर जिले का भटगांव विधानसभा क्षेत्र, कुदरती तौर पर यह इलाका जितना धनी है उतनी ही समृद्ध यहां की संस्कृति है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस इलाके की सियासी तासीर को समझने के लिए हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए सबसे पहले सिलफिली गाँव पहुंची। ये गांव प्रदेश का पहला हाईटेक गांव है, जहां सारे काम बिल्कुल हाईटेक तरीके से होते हैं। लेकिन जब यहां के लोगों से हमने मौजूदा विधायक के कार्यकाल को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब बिल्कुल पारंपरिक ही था। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। विधायक तो अभी फिलहाल जो वर्तमान में है उनको तो आज तक मैं इस गाँव में मतलब ज्यादातर देख ही नहीं हूँ। विधायक के बारे में मेरे को उतना जानकारी नहीं है, नहीं देखे। मैं विधायक के पहचानते नहीं, देखे भी नहीं है कौन है विधायक, मेरे को जानकारी है ये नहीं है। सिलफिली गांव में पूरे संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन यहां ना तो किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बन पाया और ना ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट। वहीं भैयाथान ब्लॉक में भी पावर प्लांट लगाने की घोषणा से यहां के युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। रोजगार की तलाश में यहां का युवा अब कोयले की काली कमाई के रास्ते अपराध की दुनिया में जा रहा है। ACCL क्षेत्र है, वहाँ पे कामगारों की अपनी समस्याएं हैं। एक कोयला चोरी बहुत बड़ी समस्या है, तीसरी उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधियों की घुसपैठ ACCL क्षेत्र के लिए एक बड़े समस्या के रूप में शुरू से विराजमान रही, आप ये कह सकते हैं। तो बिहार पूर्व का क्षेत्र है, उड़गी का क्षेत्र है, ये अपने पिछड़ेपन के लिए, पहुँच विहीनता के लिए आज भी उसी स्थिति में है जो आज़ादी के पहले थी। मेडिकल की सुविधा इतने बड़े ACCL क्षेत्र होने के बावजूद आज भी उसकी स्थिति सरकारी अस्पताल जैसी है। भटगांव में आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ACCL की आधा दर्जन कोयला खदान होने के बाद भी यहां कोई उद्योग नहीं लगा है। वहीं चांदनी बिहारपुर जैसे इलाके आज भी मध्य प्रदेश की बिजली पर निर्भर है। बारिश के दौरान यहाँ के अधिकतर गाँव टापू में तब्दील हो जाते हैं। चुनावी साल है तो विपक्ष अब इन मुद्दों को सियासी रंग देने लगा है। और आज तक भड़गांव के जो निवासी जनप्रतिनिधि हैं इन गांव में पहुंच नहीं सके हैं। जो आदमी पहुंच नहीं सकता निश्चित तौर से जन समस्याओं से दूर रहता है। आज भी भड़गांव में अनेक प्रकार के ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो वहां पर शिक्षक नहीं पहुँच सके हैं, अगर अस्पताल है तो वहां पर स्टाफ नहीं है। इस प्रकार का काम जनप्रतिनिधि करता है कि मैं किस प्रकार से अपने क्षेत्र की रखवाली कर सकूं। क्योंकि लगातार विधायक होते बोलते हैं विपक्ष का विधायक, उनका उत्तर इस प्रकार का होता है, लेकिन ये हवा हमेशा ये अभाव बना रहा कि जनता से दूर रहे। भटगांव में बीजेपी विपक्ष के रूप में है, लिहाजा वो सारी समस्याओं के लिए स्थानीय कांग्रेसी विधायक को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन कांग्रेसी विधायक खुद का ये कहकर अपना बचाव करते हैं कि वो सरकार में विपक्ष के रूप में है और उनकी योजनाओं को जल्द स्वीकृति न मिलने की वजह से क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अरे जितना भी प्रयास किया लगभग स्थान तो मिला है, पर विपक्ष होने के नाते बहुत सारे काम अभी जो हमने मांग किया वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। जैसे बताना चाहूँगा कि उड़गी का ITI काफ़ी विवादित रहा, पूर्व में स्वीकृत था, जो रहा कि वो चला गया था चंद्रा में,
पुनः स्वीकृति मिला। डुमरिया कॉलेज जो भी बनकर तैयार हो गया है और उसका लोकार्पण होना शेष है, लगने लगेगा सीजन आते ही। भटगांव विधानसभा मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई है और इस विधानसभा पर नक्सलवाद के भी दाग लगे हुए हैं। विकास की राह देखने वाले लोग अब नेताओं से दूरी बनाने लगे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो विधायक को नहीं जानते। जाहिर है विधायक के लिए मिशन 2018 किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। मनोज सिंह, IBC 24, भटगांव। सामान्य सीट होने के साथ ही ये क्षेत्र विविधता से भरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ हर कोई खुद को जनता का रहनुमा बताने की कोशिश करता है और चुनाव से अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन हर किसी को कहाँ जीत नसीब होती है। लेकिन ये बगावत उन लोगों के लिए घातक साबित होती है जो जीतने की स्थिति में होते हैं। एक नजर भटगांव विधानसभा सीट के इतिहास पर। माँ कुदरगढ़ी देवी के धाम में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। लोगों का मानना है कि ये माँ का ही आशीर्वाद है जो इस इलाके को प्रकृति ने इतनी नेमत बख्शी है। जाहिर है भटगांव में सियासतदान भी कुदरगढ़ी माता के दर पर मत्था टेक कर अपने सियासी अभियान की शुरुआत करते हैं। सरगुजा संभाग में भटगांव एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। सीट के सियासी इतिहास की बात की जाए तो पहले ये सीट सूरजपुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल थी और 1952 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के धीरेन्द्र नाथ शर्मा विधायक चुने गए थे, लेकिन 1962 में राम राज्य परिषद के वंशरूप ने उन्हें मात दी थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ब्रजेश्वर नाथ सिंह देव ने इस सीट पर कब्जा जमाया। हालांकि 1972 में कांग्रेस ने उनका टिकट काटते हुए एक बार फिर धीरेन्द्र नाथ शर्मा पर विश्वास जताया, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के शिव प्रताप सिंह को हराया। लेकिन 1977 में जनता पार्टी की लहर में रेवती रमण मिश्र ने यहां से जीत दर्ज की। 1980 में सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर दिया गया, जिसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने लाल विजय प्रताप को टिकट दिया, जिन्होंने बीजेपी के शिव प्रताप सिंह को हराकर एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाई। 1985 में कांग्रेस के खेल साय सिंह यहां से चुनाव जीते। 1990 और 1993 में बीजेपी के शिव प्रताप सिंह ने जीत का परचम लहराया। 1998 में कांग्रेस ने यहां नए उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 2003 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी के शिव प्रताप सिंह ने कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह से अपनी हार का बदला लिया, लेकिन परिसीमन के बाद सूरजपुर सीट को विलोपित कर नई विधानसभा सीट भटगांव अस्तित्व में आई, जिसे सामान्य घोषित किया गया। इसके बाद 2008 में हुए चुनाव में बीजेपी के रवि त्रिपाठी को मौका दिया गया, जिन्होंने 31 उम्मीदवारों के बीच बाजी मारी। 2010 में रवि त्रिपाठी के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी से उनकी पत्नी रजनी त्रिपाठी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में रजनी त्रिपाठी को कांग्रेस से पहली बार चुनाव लड़ रहे पारसनाथ राजवाड़े से हार का सामना करना पड़ा। पारसनाथ राजवाड़े को जहां 67,339 वोट मिले, वहीं बीजेपी की रजनी त्रिपाठी को सिर्फ 59,971 वोट मिल सके। इस तरह जीत का अंतर 7,368 वोटों का रहा। वर्तमान में भटगांव विधानसभा में दो नगर पंचायत शामिल हैं। इस विधानसभा में भैया थान और ओड़की ब्लॉक है, जबकि सूरजपुर ब्लॉक का आधा हिस्सा भी भटगांव विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। भटगांव विधानसभा में कुल 212,112 मतदाता हैं, जिसमें 107,541 पुरुष और 104,571 महिला मतदाता शामिल हैं, जो आगामी चुनाव में नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। मनोज सिंह, IBC 24, भटगांव। भटगांव विधानसभा को जीतने के लिए एक तरफ कांग्रेस खुद को तैयार बता रही है, तो वहीं बीजेपी के सामने कैंडिडेट को लेकर असमंजस की स्थिति है। पिछला चुनाव हारने के बाद भटगांव विधानसभा सीट के लिए बीजेपी की तरफ से आधा दर्जन दावेदार खड़े हैं। पिछली बार सहानुभूति वोट होने के बाद भी जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त मिली थी, वहीं कांग्रेस के लिए वर्तमान विधायक के अलावा फिलहाल कोई और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।
2013 में जब कांग्रेस ने पारसनाथ रजवाड़े को टिकट दिया था तो सबको यही लगा था कि स्वर्गीय रवि त्रिपाठी की पत्नी रजनी त्रिपाठी आराम से चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन आपसी बगावत की वजह से बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी। लिहाजा फिर से बीजेपी वही गलतियां नहीं करना चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी न सिर्फ अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही, बल्कि नई रणनीति के साथ मतदाताओं को लुभाने में लगी है। और आने वाला समय में उसमें अगर हमको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, मैं चुन के जाता हूँ, तो उसको पूरा प्रयास करूँगा, पूरा काम हूँ। देखिए, प्रजातंत्र है, पार्टी बहुत बड़ी है, हर कोई का हक होता है मांगने का, मांग रहे हैं, पार्टी जो इसको तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से जहां वर्तमान विधायक के अलावा कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं दे रहा और जातिगत समीकरण में भी पारसनाथ रजवाड़े पूरी तरह से फिट बैठते हैं, लिहाजा उनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह मुश्किल खड़ी है। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय गोयल, वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता, पूर्व विधायक रजनी त्रिपाठी और प्रदेश मंत्री अनुराग सिंह देव का नाम भी सामने आ रहा है। चर्चा ये भी है कि सरगुजा में जीत दिलाने के लिए प्रदेश स्तर के किसी नेता को भटगांव से टिकट दिया जा सकता है और इस नाम में औषधि बोर्ड के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है। भाजपा के दृष्टिकोण से परिसीमन के बाद से ही भटगांव हमेशा से विवादों के दौर में रहा। सर्वाधिक बागी 2008 में परिसीमन के साथ ही भटगांव विधानसभा क्षेत्र में रहे। उस होड़ को आज तक भाजपा खत्म नहीं कर पाई है। आज भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं हुआ है जो भाजपा को वहां पे एक सूत्र में बांध सके। संगठन भी वहां पर बटा हुआ है। वहां के लोग अब बाहरी और भीतरी प्रत्याशी का अभियान छेड़ चुके हैं पिछले चुनाव से। 2008 के चुनाव में स्वर्गीय रवि त्रिपाठी जी जब चुनाव जीते थे तो वो कांग्रेस की कमजोरी के चलते ही जीत पाए थे। वहां पे कांग्रेस में भी होड़ है, मगर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो कहीं कहीं जाकर के इस बात को संभाल लेता है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। भटगांव विधानसभा या कोई भी विधानसभा जो है वो सारी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे क्षमता से और ताकत से चुनाव लड़ेगी। 19 का जब चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, तो उसमें भी इस अंचल से पूर्व की तरह अच्छी बढ़त बीजेपी को मिलेगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भटगांव में कमल ही खिलेगा। बीजेपी नेताओं का ये दावा उस तर्क पर टिका है जिसमें विधायक के ऊपर काम न करने और जनता से दूरी बनाकर रहने का आरोप है। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर एक प्रेरणा लेकर उनको लगातार मैं चलता रहा हूँ। इसे जनता ने मन बना लिया है कि अब इस बार हम सरकार के साथ चलेंगे, जनप्रतिनिधि के साथ चलेंगे, जो उत्प्रेरक हो, प्रेरणादायक हो, ऊर्जावान हो, ऐसा क्षेत्र जो क्षेत्र को जानता हो, गांव-गांव से परिचित हो, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मन बना लिया है कि अब निर्वाचित करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस विधायक राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक बार फिर जनता के दरबार में पहुंचने लगे हैं, जबकि बीजेपी भटगांव में कांग्रेस विधायक पर आरोपों की बौछार कर घेरने में जुट गई है। लेकिन यहाँ उसे एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो आने वाले चुनाव में भटगांव विधानसभा से पार्टी की अगुवाई कर सके और फिलहाल उम्मीदवारों की संख्या देखते हुए बीजेपी के लिए ये काफी कठिन लग रहा है। भटगांव के मतदाताओं की एक खासियत है कि वे विकास और तरक्की के मामले को लेकर बेहद ही संवेदनशील नजर आते हैं। इसी कारण से कोई भी विधायक यहाँ अभी तक लंबी पारी नहीं खेल पाया है। इस बार भी स्थितियां कुछ ऐसी ही बनती दिखाई दे रही हैं, जिसमें यह कह पाना मुश्किल है कि किसे जीत मिलेगी और किसे हार। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, भटगांव। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश वाला भटगांव विधानसभा क्षेत्र आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़क, बिजली और शिक्षा की कमी के चलते यहां के लोग विधायक से खासे नाराज नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि विधायक का चुनाव के बाद एक बार भी नजर नहीं आए। आप ही सुन लीजिए क्या कहती है जनता। चुनाव से पहले वो यहाँ दिखे, वोट मांगने आए, काफ़ी वादे किए कि हम आपके क्षेत्र में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चुनाव ख़त्म हुआ, वो ऐसे यहाँ से नदारद हुए कि उनको अगर आप उनके घर तक भी ढूंढने जाओ तो वहाँ नहीं मिलते हैं। चुनाव से पहले ही दिखते हैं बस, उसके बाद चुनाव के बाद कहाँ दिखते हैं विधायक। उम्मीद रखते हैं, उसी उम्मीद से वोट देते हैं कि विकास होना चाहिए,
और यहाँ तो चुनाव के बाद तो विधायक ही नहीं दिखते हैं जी। वो विधायक नहीं है, वो मिस्टर इंडिया हो गए हैं। वो अपने आवश्यकता अनुसार जब मन तब दिखते हैं, और नहीं तो जब लाल लाइट जब उनके जलता है तभी वो नजर आते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम किए हैं, से पहले जो विधायक थे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन अभी अभी वाले विधायक तो ज़्यादातर बुलाने से भी उतना इस गांव में नहीं दिखेंगे। वो रास्ता बहुत कीचड़ है, जाने आने में बहुत दिक्कत होते हैं हम लोग के लिए। अभी स्कूल के बच्चे लोग के भी परेशान होते हैं, एकदम ऊंचा नीचा खाल गड्ढा है, जाने में बहुत तकलीफ है इसमें। तो भटगांव के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विधायक पारसनाथ रजवाड़े का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काम करना काफी मुश्किल है, विपक्ष में होने की वजह से उनकी बात कोई नहीं सुनता, वहीं उनके प्रस्तावित कामों को भी जानबूझकर लेट किया जाता है। बीजेपी के नेता का कहना है कि कांग्रेस विधायक अपने पक्ष विपक्ष में होने का दायित्व भी पूरा नहीं करते हैं। अपने पर लगे आरोपों के बारे में बोलते हुए विधायक कहते हैं वो सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर विधायक पारसनाथ रजवाड़े से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने। भटगांव के विधायक पारसनाथ रजवाड़े इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पिछला 5 वर्ष का इनका पहला कार्यकाल है वो कैसा रहा। पंचवर्षीय योजना में यहाँ बहुत बड़ी चुनौती रही है, खासतौर पर हमारा उड़गी ब्लॉक पड़ता है बिहार क्षेत्र, उसमें बहुत सारे निर्माण जैसे रोड, पुल पुलिया, बिजली की कमी रही है। मैं बहुत प्रयास करने के बाद 34 किलोमीटर का रोड बन पाया है, और 34 किलोमीटर का रोड बनना है पर टेंडर लगा था, वो टेंडर अभी किसी कारण कैंसिल हो गया। और खर्रा से कुपा होते हुए चिकनी का रोड है जो सीधे जोड़ता है प्रतापपुर विधानसभा को, वो भी पूर्णता की ओर है। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, 2010 में स्वीकृत हुआ था पर वो 2 बार कैंसिल भी हुआ, अभी काम प्रगति पर है, वो भी पूर्णता की ओर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवी स्थल भी है कुदरगढ़, जहाँ पर रामनवमी के टाइम में 5 लाख के आसपास के भीड़ होता है। ये कहूँ तो कि लगभग 9 दिन के पीरियड में 10-12 लाख लोग आवागमन करते होंगे, तो उसमें चौड़ीकरण की आवश्यकता थी। हमने प्रस्तावित भी किया, बजट स्थान भी मिला, उसे सारे चीज़ प्रक्रिया वगैरह जा चुके हैं, वित्त शाखा में वो लंबित है, और मैं सीएम साहब से भी मुलाकात किया था कि तत्काल उसकी स्वीकृति दें, क्योंकि हमारे ज़िले में मात्र एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, पर अभी तक नहीं मिल पाया है। मैंने जितना भी प्रयास किया लगभग स्थान तो मिला है, पर विपक्ष होने के नाते बहुत सारे काम अभी जो हमने मांग किया वो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। अभी आपका कार्यकाल भी लगभग समाप्त होने का है, कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी, ऐसे में प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो जनता तो यही आरोप लगाएगी कि आप कुछ काम करा नहीं पाए, क्योंकि वो काम अभी धरातल पर उतर नहीं पाए हैं। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम होता है प्रस्तावित करना, उस बात को विधानसभा स्तर पर ले जाना, बात को रखना, बजट में शामिल कराना, बाकी एएस देने का काम तो शासन की है। जो विधायक हैं वो सामाजिक मुद्दों को लेकर सड़कों पे नहीं उतरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मलेरिया फैला है, उससे पहले हमने आंदोलन भी किया है, आंदोलन के करने के बाध्यता ही ये वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा हुई है। बिना आंदोलन करे शासन इतना आसानी से नहीं देती वहाँ उप, ये कहना गलत है कि लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है। हमने अपने जहाँ आवश्यकता है, जहाँ पर आंदोलन की जरूरत है, वहाँ आंदोलन किया है। लगातार कई कामों के इन्होंने नाम गिना है, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति न मिल पाने की वजह से वो काम अभी धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, जिनका अफसोस विधायक जता रहे हैं, क्योंकि समय अभी बहुत कम है और इतने कम समय में अगर वो प्रशासकीय स्वीकृति मिल भी जाती है तो वो काम शुरू नहीं हो पाएंगे। ऐसे में विधायक का कहना है कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वो अधूरे कामों को पूरा करने चाहेंगे, साथ ही जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें इस बार चुना है उस विश्वास को भी वो कायम रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24, भटगांव। और अब बात मूड मीटर की। भटगांव के लोगों से विधायक के कामकाज के तौर तरीके और राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े कुछ सवाल पूछे, इन्हीं के जवाब के आधार पर हमने एक मूड मीटर तैयार किया जो ये बता रहा है कि इस विधानसभा के विधायक की स्थिति आने वाले चुनाव में कैसी होगी। हमने इस मूड मीटर के 3 रंगों के जरिए विधायक की स्थिति को बताने का प्रयास किया। यदि मूड मीटर लाल रंग को दर्शाता है तो समझिए विधायक खतरे में है, और अगर पीला रंग आता है तो समझिए विधायक जी अच्छी स्थिति में है, और अगर कोई और रंग आता है तो
समझिए कांटा हरे रंग का दर्शाता है, तो समझिए कि विधायक अच्छी स्थिति में है। तो विधायक जी का मूड मीटर तो ये कहलाता है कि वो खतरे में है, लाल रंग दर्शाता है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।